रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बीकानेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कोलायत में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मेघवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे यहां आकर आनंद की अनुभूति हुई है। यहां का माहौल देखकर लगता है कि ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की भूमि शौर्य और पराक्रम की धरती है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। भारत माता की आन बान शान पर आंच नहीं आनी चाहिए। पहले हथियार विदेशों से खरीदे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हैं, ये हमारे जवान के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब ये आधुनिक और नया भारत है जो सक्षम और समर्थ है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 2027 तक भारत दुनिया के टॉप 3 में शामिल होगा। कांग्रेस ने घोटाले किए, कांग्रेस के मंत्रियों को जेल जाना पड़ा और ये हमें भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में दुनिया भर में सशक्त हुआ है, आज 31,000 करोड़ का निर्यात करता है। टॉप 25 निर्यातक देशों में भारत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अगर बोलता है तो सारी दुनिया कान लगाकर सुनती है। बड़ी आशा से दुनिया देख रही है। 30वीं सदी किसी की होने वाली है तो भारत की होने वाली है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 5 साल में राजस्थान कांग्रेस में क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। घर में घुसकर गला काट देते थे। अब भाजपा सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रही है। एक देश एक चुनाव की बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बहन भाइयों, हमारा तो यह मानना है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने पहल की है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। बार बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, गांव पंचायत चुनाव, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंप दी। और मैं समझता हूं कि देश की जनता का इस संबंध में समर्थन प्राप्त होगा। वैसे कांग्रेस आदतन विरोध कर रही है, स्वभाव है उनका हर चीज का विरोध करना। मैं समझता हूं आपके समय की भी बचत होगी तथा संसाधनों की भी बचत होगी, धन दौलत की भी बचत होगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करा दिए जाए और जितनी स्वायत्त शासी संस्था है, मैंने ग्राम सभा से लेकर ऊपर तक जिला पंचायत तक, यह सब सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाए। बस 2 बार चुनाव 5 वर्ष में हो, उसके अलावा चुनाव किसी भी सूरत में न हो। यदि आप सब मेरी सहमत हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सब तालियां बजाकर बताइए सहमत हैं।